देखिए दोस्तों किस तरह की अलग हो रहा है, देख रहे हैं आप किस तरह अलग हो रहा है, अपने आप अलग हो रहा है। ये जो तरीका है इससे आपको झंझट भी नहीं है, ना आपका बर्तन दूसरा गंदा होगा और टाइम भी कम लगता है। देखिए दोस्तों धीरे धीरे तेल ऊपर होते जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह अपने आप तेल निकालते जा रहे हैं। देखिए किस तरह तेल अलग हो गया, इसको चलाते रहेंगे। अरे कढ़ाई भी मेरा गंदा ना हो, जमा इधर जो हुआ है वो सब को भी एक साथ कर देंगे। देखिए दोस्तों तेल अपने आप ऊपर हो गया है और खोआ नीचे, हम खोआ को ब्राउन होने तक इसी तरह तेल निकालेंगे। अभी और बाकी है थोड़ा सा। देखिए दोस्तों मैंने गैस से उतार लिया है कढ़ाई को, अब इसको हम किसी बर्तन में स्टील के बर्तन में छान के रखेंगे। देखिए दोस्तों घी का कलर देखिए कितना मस्त है, गोल्डन कलर है, बहुत ही सुंदर है। इसको ज़्यादा देर तक पकाते या फिर कढ़ाई में छोड़ देते तो फिर ये धीरे धीरे ब्लैक हो जाता, क्योंकि इसको हम नहीं निकालेंगे तो जब आँच से गर्माहट से फिर ब्लैक हो जाता धीरे धीरे, तो इसको इसीलिए कढ़ाई से हम गर्म गर्म ही इसको निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में, तो कलर आपका इसी तरह बहुत ही मस्त रहेगा। देखिए दोस्तों ये कितना ही सुंदर कलर हो गया है घी का, एकदम गोल्डन कलर है। तो इसी तरह से आप लोग भी घी निकाल सकते हैं कम समय में बिना झंझट के। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।